प्रेजेंट टीचर। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एडवर्ब में डेफिनेशन और टाइप देख चुके हैं पिछले दो वीडियोज में, ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं एडवर्ब का भी हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एडवर्ब को भी हम लोग एज अ पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री यूज कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कैसे। क्या लिखा हुआ है, एन एडवर्ब कैन बी यूज टू कंपेयर टू और मोर पर्सन्स और थिंग्स। दो या दो से अधिक पर्सन या थिंग को कंपेयर करने के लिए हम लोग एडवर्ब का यूज करते हैं। जैसे देखिए, अ हेयर रन्स फास्ट। हेयर कैसा दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है। नो कंपैरिजन है यहाँ पे, यहाँ कोई कंपैरिजन किसी से नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए, द डियर रन्स फास्टर देन अ हेयर। अ डियर रन्स फास्टर देन अ हेयर। अब डियर जो है वो हेयर से ज्यादा तेज दौड़ता है। देखिए, ईआर लगा हुआ है और दैन भी लगा हुआ है, गॉट इट। नेक्स्ट है, द लियोपार्ड रन्स द फास्टेस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स होते हैं सब, उसमें सबसे ज्यादा कौन तेज दौड़ता है, लियोपार्ड। यहाँ पे देखिए, द लगा हुआ है और ईएसटी लगा हुआ है। तो ये जो है कंपेरेटिव डिग्री है, सॉरी ये पॉजिटिव डिग्री है, कोई कंपेरिजन नहीं है। इसमें क्या है, दो डियर और हेयर को कंपेयर कर रहे हैं, तो दो का कंपेरिजन जब करते हैं तो क्या होता है, कंपेरेटिव डिग्री होता है। और जब दो से अधिक यानी तीन या तीन से अधिक को कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है। कंपेरेटिव डिग्री में ईयर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी लगते हैं, पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। कंपेरेटिव डिग्री में बाद में दैन लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में पहले द लगाते हैं, ये सब पढ़े हैं ना हम लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसे चेंज करेंगे पॉजिटिव से कंपेरेटिव और कंपेरेटिव से सुपरलेटिव में कैसे चेंज करेंगे। आइए ये देखते हैं। फर्स्ट रूल है, बाय एडिंग ईआर एंड ईएसटी, किसी भी एडवर्ब में अगर ईआर लगाएंगे तो वो कंपेरेटिव बन जाएगा और ईएसटी लगाएंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। जैसे देखिए, हार्ड हार्डर ईआर लगा दिए, हार्डेस्ट ईएसटी एड किए, तो ये हार्ड पॉजिटिव डिग्री हो गया, हार्डर कंपेरेटिव डिग्री हो गया, हार्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गया, गॉट इट। नेक्स्ट है, नियर नियरर नियरेस्ट, ओके। लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, ईआर ईएसटी एड किए। स्लो स्लोअर स्लोवेस्ट, ईआर और ईएसटी एड किए, ठीक है। तो ईआर लगा करके हम लोग कंपेरेटिव और ईएसटी लगा करके सुपरलेटिव में चेंज करते हैं, गॉट इट। नेक्स्ट रूल है, बाय एडिंग मोर एंड मोस्ट। मोर और मोस्ट का यूज करके हम लोग कंपेरेटिव सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे देखिए, कामली कामली, मोर कामली, मोस्ट कामली, ग्लैडली मोर ग्लैडली, मोस्ट ग्लैडली, है ना, मोर और मोस्ट। लाउडली मोर लाउडली, मोस्ट लाउडली, स्किलफुली मोर स्किलफुली, मोस्ट स्किलफुली, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, कोई भी एडवर्ब जिसके लास्ट में एल वाई होता है, जिसके लास्ट में एल वाई होता है, उसमें हम लोग मोर और मोस्ट लगा करके कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाते हैं। तो देखिए, सब में लास्ट में एल वाई है ना, तो इन सब में कंपेरेटिव मोर लगाकर बनेगा और सुपरलेटिव मोस्ट लगाकर बनेगा, गॉट इट। चलिए, सम एडवर्ब्स डू नॉट फॉलो एनी रूल। कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं, जो दो रूल पढ़े हम लोग, ये सब रूल उसमें काम नहीं आता है। उनका क्या होता है, उन सबका अलग अलग कंपेरेटिव और अलग अलग सुपरलेटिव होता है। जैसे देखिए, फार फार का क्या होगा, फार्दर, टी एच ई आर एड हुआ, फार्देस्ट, टी एच ई एस टी एड हुआ, गॉट इट। तो फार का क्या बना, फार्दर फार्देस्ट। फार का एक और बनता है दूसरा, कौन सा, फार फर्दर। यहां देखिए ए है, यहां देखिए यू है, गॉट इट। तो ये भी बनता है, फार का फर्दर और फर्देस्ट, यहां यू यहां ए। तो क्या समझे, फार का दो बना, फार्दर फार्देस्ट, फर्दर फर्देस्ट, गॉट इट। बैटली बैटली का क्या बना, वर्स वर्स्ट, ओके। अब यहां भी एल वाई, ठीक है। तो यहां पे मोर और मोस्ट नहीं लगेगा, याद रखिएगा, ये इसके हिसाब से काम नहीं करता है, ठीक है। वेल बेटर बेस्ट, वेल का क्या होगा, बेटर बेस्ट, गॉट इट। तो इस तरीके से हम लोग एडवर्ब का डिग्री ऑफ कंपैरिजन चेंज करते हैं।
आज हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री। करेक्ट डिग्री लगा करके आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है, फिल करना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज श्रिया स्पीक्स फ्रेंच डैश देन प्रियंका एंड इन द ब्रैकेट इट इज रिटन वेल। यानी कि क्या करना है, वेल को डिग्री चेंज करके और यहाँ पे भरना है, जो डिग्री चाहिए होगा उसके हिसाब से। अब यहां देखिए श्रिया स्पीक्स फ्रेंच देन डैश देन प्रियंका। यहाँ पे दो लोग है ना, श्रिया है और प्रियंका है, दो के बीच कंपैरिजन हो रहा है। दो के बीच कंपैरिजन किस में होता है, कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री का यहाँ क्या होगा, वेल का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, वेल का बेटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बेटर। ओके, एक और तरीका है पहचानने का कि इसमें कौन सा कंपैरेटिव डिग्री होगा या सुपरलेटिव डिग्री होगा, कौन सा होगा पहचान सकते हैं। देखिए यहाँ पे देन, देन किसमें यूज होता है, ऑलवेज कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग यूज करते हैं देन में। तो यहाँ पे क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री होगा। अगर उसके पहले द रहेगा तो सुपरलेटिव होता है, नहीं जनरली होता है। जैसे देखिए आदित्य वर्क्स द डैश इन हिज एंटायर क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए द यूज हुआ है, ठीक है, द यूज हुआ है। अब यहाँ द यूज हुआ तो क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री होगा या सुपरलेटिव डिग्री होगा, कौन सा होगा बताइए। हार्ड, हार्ड यहाँ पे क्या होगा, द यूज हुआ है। पहला रूल ये है द यूज हुआ तो यहाँ हार्डेस्ट होगा, सुपरलेटिव डिग्री। दूसरा क्या तरीका है, द सेकेंड वे इज यू कैन चेक हाउ मेनी पर्सन वी आर कंपेयरिंग अबाउट। ओके, आदित्य वर्क्स द डैश इन हिज इंटायर क्लास, पूरे क्लास में आदित्य कैसा वर्क करता है, हार्ड वर्क करता है। पूरे क्लास में कंपेयर कर रहे हैं, मोर देन 3% में कंपेयर हो रहा है। मोर देन 3 होता है तो हम लोग क्या करते हैं बताइए, सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। इस हिसाब से यहाँ क्या हो जाना चाहिए, हार्डेस्ट। ओके, एनी डाउट। नेक्स्ट इज मोहिनी इज डांसिंग डैश देन द अदर गर्ल्स, ठीक है। मोहिनी इज डांसिंग डैश देन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए देन यूज हुआ है, देन किसमें यूज होता है, कंपेरेटिव डिग्री में। यहाँ पे ग्रेसफुली है तो क्या हो जाएगा, मोर ग्रेसफुली हो जाएगा, मोर ग्रेसफुली। एनी डाउट। नेक्स्ट इज केतन हैज परफॉर्म डैश देन चेतन इन द एग्जामिनेशन, और क्या भरना है, कैट का डिग्री भरना है। यहाँ पे क्या है, दो के बीच कंपेयर हो रहा है ना, एक केतन है अदर वन इज चेतन, सो हियर वी आर कंपेयरिंग अमंग बिटवीन द टू पर्सन। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री लगाएंगे। यहाँ पे बैड का कंपेरेटिव डिग्री क्या होगा बताइए, वर्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्स। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज द चीफ गेस्ट अराइव्ड डैश देन एक्सपेक्टेड। चीफ गेस्ट जो था वो पहुंच गया डैश देन एक्सपेक्टेड, जितना अनुमान था उससे पहले पहुंच गए। तो दो के बीच कंपेरिजन हो गया ना, पहुंच गए पहले, ठीक है, अनुमान से पहले। तो यहाँ पे क्या होगा, देन लगा हुआ है तो यहाँ क्या होना चाहिए, कंपेरेटिव डिग्री होना चाहिए। कंपेरेटिव डिग्री होना चाहिए तो क्या हो जाएगा, अर्लियर। अब देखिए कंपेरेटिव डिग्री में हम लोग क्या करते हैं, अगर लास्ट में वाई होता है तो उसको हटा देते हैं, उसके जगह पे आई और उसके बाद ई आर लगाते हैं। तो आई हो गया देन ई आर, तो क्या बना, द चीफ गेस्ट अराइव अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, गॉट इट। तो ये था तरीका हाउ विल वी फिल द ब्लैंक्स अमंग दीज क्वेश्चंस। ओके, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, आप लोग ये याद रखिएगा, ईआर और ईएसटी लगा करके क्या करते हैं, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाते हैं। अगर लास्ट में क्या हो, एल वाई हो, तो हम लोग मोर और मोस्ट लगाते हैं, गॉट इट। और जो एक्सेप्शनल होते हैं, जो रूल फॉलो नहीं करते हैं, वो तो आपको याद रखना ही है। ओके, थैंक यू।